क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है। तो हमें सीक्वेंस दी है, इस सीक्वेंस में A1 की वैल्यू दी है और A6 की वैल्यू दी है। A1 है, A2, A3, A4, A5 और A6। तो ये बाकी के बॉक्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम लिखेंगे A1 की वैल्यू है -4 और A6 की वैल्यू है 6, ये हमें गिवन में है। तो अब हमें A2 की वैल्यू निकालने के लिए D डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस होगा तो हम A1 में ऐड करेंगे तो A2 मिलेगा, बट हमारे पास डिफरेंस नहीं है। तो अब हम डिफरेंस A6 से निकालेंगे। हमारे पास फार्मूला है An = A+N-1D। इसमें A6 की वैल्यू डालेंगे तो हमें A भी मालूम है, तो यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। ओके, A6 इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास है, A की वैल्यू है -4 प्लस N 6-1 और डिफरेंस नहीं है हमारे पास। तो A6 की वैल्यू है 6 इक्वल टू -4 प्लस 6-1 5 और ये D। तो ये -4 इस तरफ आ जाएगा, ये +4 हो जाएगा और यहाँ पे 5D। 6+4 10 इक्वल टू 5D, तो D इक्वल टू 10/5, तो डिफरेंस मिल गया 2। ओके, 5 1 5 5 2 10, तो डिफरेंस मिल गया। जब हमारे पास डिफरेंस है तो हम A2 A3 A4 A4 सब निकाल सकते हैं। ओके, तो A1 तो है हमारे पास, उसके बाद A2 निकालेंगे। A2 इक्वल टू A1 प्लस D। देखो A2 के लिए A1 में D ऐड करेंगे, A1 की वैल्यू है -4, उसमें डिफरेंस ऐड करेंगे, डिफरेंस है 2, तो ये आ जाएगा -2। ओके, A2 की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम फाइंड करेंगे A3 इक्वल टू A2 प्लस D। अब A2 की जो वैल्यू है -2, उसमें डिफरेंस ऐड करेंगे D क्या है 2, तो ये हो जाएगा 0। A3 की वैल्यू हो जाएगी +2 और -2 0। उसके बाद A4 इक्वल टू A3 प्लस D, A3 की वैल्यू है 0, उसमें डिफरेंस 2 ऐड करेंगे। तो देखो एडिशन में जब 0 को ऐड किया जाएगा तो वही टर्म आएगी, A4 इक्वल टू 2। ओके, उसके बाद A5 इक्वल टू A4 प्लस D, A4 की वैल्यू है 2, उसमें 2 ऐड हो जाएगा तो A5 इक्वल टू हो जाएगा 4। ओके, तो अब हमें सब मिसिंग टर्म मिल गई है। A2 की वैल्यू है -2, उसके बाद A3 की वैल्यू है 0, A4 की वैल्यू है 2 और A5 की वैल्यू है 4। ओके, अब हम लिख भी सकते हैं, सो द मिसिंग टर्म्स आर -2, 0, 2, 4 और 4। ओके,